وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين جنہاں جنہاں نوں درود پاک زبانی آندا ذرا محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الحمدللہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله إذ ما قالنا إننا في بحرهم من مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا امدادكن أذرن جو غم أزادكن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا را رہنما بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لجپال فریدہ مرشدہ خاجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ روے اس عقیدت محبت نال درود پاک پڑھو کہ اسی پڑھنے آتے سرکار سے بات فرما دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا یتیماں تے غریباں دا سہارا یا رسول اللہ یتیماں تے غریباں دا سہارا یا رسول اللہ یسانو ہے اے سب جگہ تو ہی پیارا یا رسول اللہ یسانو ہے اے سب جگہ تو ہی پیارا جنہاں نوں اے پیاری نبی پاک دی ذات محبت نال مل کے پڑھن آسانو ہے اے سب جگہ تو ہی پیارا یا بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا اے جا زیارت دا میں تا
ते दुआई कर सकना ना यार जेड़ा बंदा हाथों बुलंद करके आवाज हाथ इतने होवे ते आवाज मदीने होवे जेड़ा बंदा तगड़ा होके सुभान अल्लाह आखे अज रात होवे ख्वाब दे अंदर आमिना दे लाल दी ज़ियारत नसीब हो जावे। बड़ी हसरत ए वेखंदी बड़ाए चा ज़ियारत दा कदी चमके नसीबा दा सितारा या रसूल अल्लाह कदी चमके नसीबा दा सितारा तरस देने जो वेखनो उन्हां ते वी करम होवे तरस देने जो वेखनो उन्हां ते वी करम होवे असानों भी कदी दे वो नजारा या रसूल अल्लाह असानों है इस सब जग तो ही प्यारा या रसूल अल्लाह यतीमाते गरीबादा सहारा या रसूल अल्लाह। तमाम तरीफा उस वहदा उला शरीक लई दुरूद हुजूर पुर नूर शाफ यौमिन नशूर अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह बेकसबनां दे अंदर हदीए दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने तो बाद दुआ है कि रब्बे कायनात मैनू हक बयान करने दी तौफीक अता फरमाए और जो बयान करा उस ते दुआनू और मैनू अमल पैरा होने दी खलके कोनो मकाद तौफीक अता फरमाए। इस महफल का इंतजाम इंसराम मुहम्मद अहमद नूर अहमद मुहम्मद मुर्तजा और मुहम्मद नाजिम इन्होंने अपने वालिद के इसाले सवाब के वास्ते प्रोग्राम इनेकाद किया। अल्लाह ताला दी जात इस जिक्र पाक का सदका इन्हों वालिद नू रब ताला दी जात उन्होंने मगफिरत फरमाए उन्होंने दर्जात नू रब ताला दी जात बुलंदी अता फरमाए और उन्होंने कब्र ते रब ताला दी जात रहमतां दा नज़ूल फरमाए। नबी पाक अली सलाम के गुलामों बड़िया काबिले गौर बात ने जरा तवज्जो दे नाल समात करिया जे। नबी पाक अली सलातो व सलाम ने फरमाया जिस वक्त बंदा दुनिया तो चला जाए हर चीज का सिलसिला मुनकते हो जाता है। जरा तवज्जो मेरे वल्ले तवज्जो जिन्हां दी है जरा मुहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह तवज्जो करिया जे। हुजूर अली सलाम ने इरशाद फरमाया जदों बंदा दुनिया तो चला जाता है हर चीज का सिलसिला मुनकते हो जाता है हर चीज का आमाल का सिलसिला नबी पाक ने फरमाया खत्म हो जाता है। लेकिन तीन चीजा ऐसा ने कि बंदा दुनिया तो चला भी जाए ओदा अजर बंदे दे मरण तो बाद भी टकरदा रहता है। जिन्हां दी गल दी समझ नहीं आई ओ मुहब्बत नाल आखो हज़रा सुभान अल्लाह माशाल्लाह साहब बैठे ने जिन्हां नूं कोई नहीं आई जिन्हां नूं समझ आई है हत्थां नूं बुलंद करके आखो जरा सुभान अल्लाह आ गल्लां सुनियां भी ने जरा हाजिर दिमागी भी जरूरी है तवज्जो करो नबी पाक दे गुलामो। सरकार ने फरमाया तीन चीजा ऐसा ने जिन्हों का अजर सवाब बंदे दे दुनिया तो जान तो बाद भी मिलता रहता है। यार सुल्लाओ की नबी मुकर्रम अली सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया सरकार ने फरमाया मरण आला सदका ऐसा करके जावे जेड़ा जारी रहने वाला हो बंदा दुनिया तो चला भी जावे बंदे नू सवाब मिलता रहता है। दूसरा करीम आका अली सलाम ने इरशाद फरमाया सरकार ने फरमाया इल्म ऐसा पढ़ा के जाए कि जेड़ा नफा देने वाला हो बंदा दुनिया तो चला जाए बंदे नू सवाब मिलता है। तीसरा नबी पाक अली इस्लाम ने इरशाद फरमाया लजपाल नबी अली इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद ऐसी छड़ के जाए जेड़ी मापियां दे वास्ते हाथ उठांदी रवे जेड़ी मापियां दे वास्ते हाथ उठांदी रवे जेड़ी रब दी बारगाह दे अंदर ए अर्ज करे रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। रब ताला दी जात दे महबूब ने इरशाद फरमाया फरमाया औलाद मापियां दे वास्ते दुआ मंगे रब ताला दी जात बंदे दे मरण तो बाद बंदे नूं अजर अता फरमांदे ने। नबी पाक अली सलाम दे गुलामों बड़ी काबिले गौर बात है सरकार ने फरमाया इल्म ऐसा छड़ के जाए सदका जारिया करके जाए। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया औलाद बंदा ऐसी छड़ के जाए जेड़ी मापियां वास्ते दुआ करे सरकार अली सलाम ने फरमाया बंदा दुनिया तो चला भी जावे अजरों सवाब मिलता रहता है।
नबी पाक अली सलाम दे गुलामों बाप और मां ऐसा रिश्ता इंसान दे कोल कि जिसकी कदर कीमत अल्लाह ताला दी जात ने और रब ताला दी जात ने महबूब ने बड़ी बुलंद उबाला रखी। नबी पाक अली सलाम दे गुलामों तवज्जो करो, ऐसा रिश्ता कि जेड़ा कदी भी बंदे की तरक्की ते हसद नहीं करता। तवज्जो है जरा, जिन्हां दी तवज्जो है सुभान अल्लाह, जरा मां बाप एक ऐसा रिश्ता है कि जेड़ा बंदे दी तरक्की ते कदी हसद नहीं करता। मां बाप दे औलाद अगर ना फरमान भी होवे ते मां बाप तां भी हाथ उठा के दुआ करदे ने, या अल्लाह तरक्की तां दित्ती ना मालका, भावें साडा पुत्र ना फरमान है लेकिन मालका सानू बड़ी खुशी है मालका साडे पुत्र नू तरक्की दित्ती। मां बाप एक ऐसा रिश्ता है जेड़ा कदी हसद नहीं करता औलाद दे नाल। बाकी जितने भी रिश्ते वेख लो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके दे नाल हसद हो जाता है। नबी पाक अली सलाम दे गुलामों सरकार की बारगाह दे विच अर्ज की गई, सोहणिया मदीने दे ताजदारा सानू किवें पता चले साडा रब साडे ते राजी है कि नाराज है। नबी पाक अली सलाम ने इरशाद फरमाया घरां नू टुर जाओ, सोहणिया की करिए। नबी पाक ने फरमाया जाके आपदे बाबे दे चेहरे नू वेखो। मैनू शक पै पैंदा है कि बंदे चेहरे आपदे बाप दे चेहरे नू मुहब्बत दी नजर नाल नहीं वेखदे। जिहड़े मां बाप दे नाल मुहब्बत करदे जे बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बाप दे चेहरे नू मुहब्बत दी नगाह नाल वेखे, मुहब्बत दी नजर नाल। यार सुल्ला मोड़ की हो सी। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया मेरे गुलामो घरां दे अंदर जाओ, बाप दे चेहरे नू वेखो। हुजूर अली सलाम ने अर्ज की थी सोहणिया सवाल असा कीता रब राजी है कि नाराज है, सोहणिया तुसा फरमाया घरां दे विच चले जाओ। नबी पाक ने फरमाया जाके बाप दे चेहरे नू तको, जिदे ते जिदा बाबा राजी है अरशां वाला रब भी राजी है। सरकार ने फरमाया जिदे ते जिदा बाप राजी है अरशां वाला रब भी ओदे ते राजी है। नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामो एक दानिशवर होया बड़ा, तवज्जो बड़ी जरा गल बड़ी सुनने वाली। वो दानिशवर सी, बाप बिल्कुल गरीब, ते कहन लगा कायनात दे अंदर आपदे बड़े बड़े अमीर मैं देखे नजरां दे नाल, जिहड़े जाहरी तौर ते अमीर सन, मैं बड़े बड़े जनाब जायदादां वाले देखे, बड़े बड़े बैंक बैलेंस वाले दुनिया दे अंदर वेखे। वह बंदा दानिशवर ने बड़ी वड्डी गल की थी ते मैनू बड़ा इतमान हुंदा गल सुन के। वह कहन लगा कायनात के अंदर बड़े बड़े जाहरी अमीर वेखे लेकिन एक बंदा अमीर वेख्या जेड़ा बाप की सूरत के अंदर वेख्या। बाप तो कायनात के अंदर वध के अमीर नहीं वेख्या कि जेड़ा दिल का अमीर सी जारी तौर पर अमीर नहीं भी सी लेकिन जो जुबान दे विचों कढ़िया बाप ने पूरा किया। नबी पाक अली सलाम दे गुलामों लजपाल नबी अली सलातो व सलाम की जात ने इन्हों का मकाम बला बुलंदो बाला फरमाया। यार खुशी होवे ते तां सी नबी पाक का जिक्र करने आ, गम होवे ते तां नबी पाक का जिक्र करने आ, क्यों करने आ? दुनिया बंदे दे बंदे दुनिया के अंदर गलियां बाजारा चौकां दे अंदर मोहल्लों के अंदर शहर के अंदर मुल्क के अंदर नारे लांदे ने। और मैं क्या क्यों पे मारदे जे आंदे शाह जी तां नारे मारने आ थाने कचहरी आ बंदा सरदार आ राणा साहब आ फलाना ए शाह जी थाने कचहरी काम आंदा है। मैं क्या यार ओदे तां नारे मारे जेड़ा थाने कचहरी काम आवे, ओदे नारे क्यों ना मारदा जिन्हें दुनिया दे विच भी काम आना होवे। ना बोलिया जे मर्जी तुहाडी। नबी पाक अली सलाम दे गुलामों मैं दोबारा जुमला कहना, ओदी मुहब्बत दे विच क्यों नहीं नारे मारदा, ओदे नारे क्यों नहीं मारदा? ओदे नारे तो दुनिया विच मारे जेड़ा दुनिया दे विच काम आवे और थाने कचहरी काम आवे, ओदे भी नारे मार जिन्हें दुनिया विच भी काम आना होवे और जिन्हें कबर दे विच भी काम आना होवे, जिन्हें हशर दे विच भी काम आना होवे। नबी पाक दे गुलामों मैं ते एक जुमला पंजाबी दा अक्सर आना, बंदा सज्जन ओनू बनावे जेड़ा औखे वेले काम आवे, बंदा सज्जन ओनू बनावे जेड़ा औखे वेले काम आवे। असी तां नारे दुनिया दे विच भी हर जगह हर चौक हर बाजार हर मुलक हर सिटी दे अंदर इहो ही नबी पाक दा जिक्र करके आने आ। ओए असी नबी पाक दा कलमा पढ़िया, असी उस महबूब दे नारे मारने आ जेड़ा ना दुनिया विच छड़दा है, ना कबर दे विच कल्या छड़दा है, ना हशर दे विच कल्या छड़दा है, हर जगह ते अबदी नजर रहमत फरमा के बेड़े पार फरमा छड़दा है। नबी पाक दे गुलाम नबी पाक दे गुलामों एक कायनात के अंदर हर चीज ही छड़ जानी, हर एक चीज छड़ जानी लेकिन बेलियो जेड़ी चीज दुनिया दे विच भी फायदा देवे, कबर दे अंदर भी फायदा देवे, हशर दे अंदर भी फायदा देवे, है मदीने दे ताजदार दी मुहब्बत।
आओ मुसलमान भाइयों, खाल के कोनो मकाने कुराने मजीद फुरकाने हमीद ला रहे बे आप किताब दे अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। कुरान दा इस्तकबाल हथन बुलंद करके आखो जरा सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब इन्हां नूं फरमा दे अगर ये रब नाल प्यार करना चाहते ने, अगर रब दे नाल मोहब्बत करन दा दावा करदे ने, रब्बा रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ करिए या अल्लाह की करिए। रब ने फरमाया सोणिया इन्हां नूं फरमा दे अगर ये रब नाल मोहब्बत करना चाहते, अगर रब नाल प्यार करना चाहते ने, रब नाल इश्क करना चाहते ने। रब ने फरमाया फतवा भी होनी सोनिया तेरे ताबेदार बन जान, सोनिया तेरे अदब गुजार बन जान, सोनिया तेरे खिदमत गुजार बन जान, सोनिया तेरे दर दा पहरा देन, तेरे नाल वफा करन, या अल्लाह मिलेगा की। रब ने फरमाया यो हबीबुकुमुल्ला, फरमाया कायनात वाले जेड़ा रब दे महबूब नाल मोहब्बत करे, रब दे महबूब नाल प्यार करे, जेड़ा नबी दा अदब गुजार बन जाए। रब ने फरमाया अदब गुजार बनना ओदा कम, रब ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्ला, मैं रब हो के इन्हां बंदियां नाल प्यार करांगा। रब ने फरमाया इन्हां दे नाल मोहब्बत करांगा। जेड़ा बंदा दुनिया कायनात दे अंदर नबी पाक दा दामने करम पकड़ के नबी पाक दी मोहब्बत दे अंदर रह के इयो ही पुकार के सरकार दी बारगाह दे अंदर अर्ज करे साडा अकीदा ते विजदान है, असी हर लहजा हर मिनट हर घंटा कायनात दे अंदर पुकार के नबी पाक दा जिक्र करके सरकार दी बारगाह दे अंदर इयो ही अर्ज करने आ बताया बे नुहालादा है बताया पे नुहाला दा मंदिया नू गले लोना होंदा कमले जे पाला दा मंदिया नू गले लोना होंदा कमले जे पाला। मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा बंदा मोहब्बत रल पुकार के मेरे नाल रल पड़े जदों कबर दे विच जावे जदों हशर दे विच जावे नबी पाक आवदे दसे मुबारक दे अंदर हाथ दे नाल पकड़ के जन्नत दे अंदर लै जाण असी पुकार के दो दो ही पुकार के आखिए बताया पे नुहाला दा बताया पे नुहाला बताया पे नुहाला। आला दा बताया पे नुहाला दा मंदिया नू गले लोना होंदा कमले जे पाला दा पानी कोसरे दा पींदे ओ पानी कोसर दा पींदे ओ साले पालाया लज पाले सदी दे उसा नाल लाया है दूसा नाल तालाया लज पाले सदी दे तुसा नाल तालाया लज पाले। वेखे दुनिया के अंदर बंदे वेखे तवज्जो दुनिया के अंदर बंदे वेखे जायदादां दी खातर लड़दे परेशान हुंदे और पैसे रुपये दे पिछे नबी पाक जो गुलामो मैं तवज्जो दिलाना चाहना तुहाडी इस गल ते दुनिया दे विच अगर लड़ना है ना तो नबी पाक दी इज्जत वास्ते लड़ो, नबी पाक दे इश्क वास्ते लड़ो, नबी पाक दे प्यार वास्ते लड़ो। ये दुनिया दी जायदाद बंदे दे साथ मुख पता नहीं कित्थे जाके यार जिंदगी खत्म हो जानी। मौत दा मैनू जिक्र कीता गया, मैं चंद गल्लां मौत दे हवाले दे नाल गोश गुजार करना।
एक बंदा सी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दे दौर दे अंदर, तवज्जो है जरा सारे अंदी है गल, तवज्जो दे नाल समात करया जे। नबी पाक दे गुलामो, इमाम आजम अबू हनीफा दे दौर दे अंदर एक बंदे ने अपनी बीवी नूं कहा, मैं दसना चाहना कि जिस जायदाद दे पिछे बंदा पूरी जिंदगी लड़ लड़ मर मर के गुजार देंदा, ओ जायदाद एक मिनट भी बंदे दी नहीं रहिंदी। हजरत इमाम साहब दे दौर दे अंदर ना एक बंदे ने अपनी बीवी नूं कहा कि अगर तू अपने बाप दे घर दे अंदर गई ना, अगर अपने प्यो दे घर दे अंदर गई तो मेरे वालों तेनों तिने तलाकां ने, मेरे वालों तेनों तिने तलाका ने। जिस वक्त बंदे ने यह गल की थी ना, हजरत इमाम साहब आप दी बारगाह दे अंदर मसला आया, उन्हें कहा हुजूर बंदे ने कह छड़े 40 साल बीबी उंज गुजार दी फिरी है कि बाप दे घर ना जावा कि मैनू तलाक ना हो जाए। ते जिस वक्त बाप दुनिया तो परदा कर गया, उस बेटी का बाप दुनिया तो परदा कर गया, वह बाप का मूँह वेखन वास्ते गई तो उन्हें क्या सोहणिया है तक बाप का घर ना, बाप के घर के अंदर आखिरी वारी दीदार करन गई है वह बेटी, तो सोहना दसो क्या उन्होंने तलाक हुई कि नहीं हुई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला ने आपने फरमाया मैनू दसो ना ये बेटी ये जिहड़ी जनाब बीवी है ये दसो ये मरण तो पहले गई है कि मरण तो बाद गई है। तवज्जो है जरा, तवज्जो ना है तुसी करदे पए, जरा मेरी गल वाले तवज्जो करो। हजरत इमाम साहब ने फरमाया भाई खावंद ने इहनू कहा सी कि भाई अगर तू बाप दे घर दे अंदर गई तो तेनू तिने तलाकां, हजरत इमाम साहब फरमान लगे बाप दे घर दे अंदर गई चली, बाप दे दुनिया तो परदा करने तो पहले गई है कि बाद दे विच गई है। उन्हें कहा सोहणिया बाप दे सार निकल चुके सन ते उस वक्त घर मुंह वेखन गई आपदे बाप दा, दसो इनू तलाक हुई कि नहीं। हजरत इमाम साहब फरमान लगे तलाक नहीं हुई, अल्फाज क्योंकि खावंद ने कह सन कि बई अगर तू आपदे बाप दे घर दे अंदर गई ते तेनू तिने तलाका ने। हजरत इमाम साहब फरमान ने कि सार निकलन की देर होंगी, जिस वक्त सार निकल गया जायदाद सारे नालों पहले बंदे दे नालों जुदा होंगी, सारे नालों पहले बंदे की जायदाद जिते वास्ते बंदा पूरी जिंदगी लड़ के गुजार देंदा। हजरत इमाम साहब फरमान लगे सारे नालों पहली चीज जायदाद जुदा होंगी, आ फरमान लगे औरत आपके बाप के घर के अंदर गई, फरमान लगे ये बाप का घर तो रहा ही कोई नहीं, बाप के घर तो रहा ही कोई नहीं, सांस ओते निकल गए, सारे नाल पहले चीज जी जुदा हुई वो यदि विरासत है वो यदि जायदाद है। नबी पाक अली सलाम के गुलामो फिर असी जायदाद से क्यों तकिया लगा के बैठे हैं, याद करना है तो रब की जात नु याद करो। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम एक दिन आप गुजरे कब्रस्तान तो, हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कबर वाले के हाल ने, कबर वाले आख्या सोने तुम दसो साढ़े घर के की हाल ने। उन्हें क्या हजरत मौला अली शेरे खुदा ने जवाब देन लगे, कहन लगे हजूर दसो साढ़े घर के की हाल ने। मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया, आपने फरमाया तुहाड़ियां बीबिया ने अगे निकाह कर लै, तुहाड़े घर के अंदर लोग होर आके बस दे। हजरत मौला अली शेरे खुदा फरमान लगे हुण लोग तुहाड़ा नाम नहीं लेंदे, तुहानू याद नहीं करते यार, एडी बेवफा दुनिया ये याद ना कर दी। हजरत मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया हुण तुहानू याद नहीं करते, तुहाड़ा नाम लेंदे नहीं सुनिया उन्होंने, तुहाड़ियां बीवियां ने अगे निकाह कर लै, तुहाड़े घर के अंदर लोग होर आके बस दे। हजरत मौला अली ने जिस वक्त यह कहा ना तो हजरत मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया दसो तुहाड़ा की हाल है। उन्हें कहा सोहणिया जेड़ा कुछ रब की राह दे खर्च करके आया ओदा सवाब टक्कर जांदा है, जेड़ा कुछ रब की राह दे खर्च करके आए ओदा सवाब टक्करदा है, बेलिया ओदा सवाब हजरत मौला अली शेरे खुदा नूं अर्ज की सोहणिया ओदा सवाब टक्करदा है। दुनिया के अंदर जेड़ा बना के आया जेड़े मकान बड़े बड़े आलीशान मकान सोने ओदा हिसाब पे देने रब की बारगाह के अंदर, बेलियो माल भी वह जो रब की राह खर्च किया जाए, जिंदगी भी वह जी रब ते रब दे रसूल की याद ते मुहब्बत के अंदर गुजारी जाए, फिर उन्होंने बंदा मुहब्बत करे सारे छड़ के आ जाते हैं मिट्टी के पुक पा के आते हैं जो करता रहा पा, फिर यारी उस महबूब न ला जिन्हें दुनिया में भी कम आना, जिन्हें कबर के भी कम आना, जिन्हें हशर के भी कम आना। नबी पाक के गुलामों दुनिया के अंदर बड़े बड़े जाविए ने बड़े बड़े पहलू ने, बंदा मुहब्बत किसी नाल तां करदा है कि कोई सोहना होवे, बंदा किसी नाल मुहब्बत तां करदा है किसी दे कोल इलम होवे, बंदा किसी कोल किसी दे नाल प्यार ते मुहब्बत करदा है आली नसब होवे अखलाक अच्छा होवे। रब ने फरमाया अगर हुसन नूं वेख के प्यार करना ना आ जा मुस्तफा दे बूवे कायनात विच मुस्तफा वर्गा मैं बनाया ही कोई नहीं,
जिन्हें गल की समझ आई मुहब्बत नाल जरा सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया अगर प्यार करना है हुसन नूं वेख के मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर आ जा। मुस्तफा वर्गा कायनात के अंदर मैं सोहना बनाए कोई नहीं। हजरत अबू किरसाफा रदी अल्लाह तआला नो नबी पाक दे एक गुलाम सन। हजरत अबू किरसाफा यहूदियां दे बाल ते हजरत अबू किरसाफा रदी अल्लाह तआला नो कलमा नहीं सी पढ़िया नबी पाक दा। ते बकरियां चराण दे वास्ते हर रोज तशरीफ लैके जांदे ने बकरियां चराण वास्ते। हजरत अबू किरसाफा एक दिन होया दो दिन तीन दिन तवज्जो मेरे वल्ले यार हर बंदा मेरे वल्ले तकिया जे। हजरत अबू किरसाफा रोज बकरियां चराण वास्ते जांदे ने। एक दिन चलदिया चलदिया ना मस्जिद नबवी दे बूहे अगों गुजरे ते आई करके इधर मेरे वल्ले वेख्या जे आई करके नजर पई चेहरा मुस्तफा ते याल्ला जेड़ा सुभान अल्लाह आखे ए भी रात नूं ख्वाब दे अंदर वेखे मुस्तफा दी नजरे रहमत वल्ले ते उची नबी पाक अली सलाम दा चेहरा वद्दू आ वेखे ते सवेरे उठ के बाजार दे अंदर भी आखे सुभान अल्लाह। हथन बुलंद करके आखो जरा सुभान अल्लाह। नबी पाक अली सलाम दा चेहरा वेख्या इधर मेरे वल्ले वेखो नबी पाक अली सलाम दा आई करके नजर मारी ते वेख्या मुस्तफा दा वद्दू आ चेहरा। अगली कमाल गल इसो इंदी नजर पई मुस्तफा दे चेहरे ते ते मुस्तफा दी नजर पई गुलाम दे चेहरे ते। नबी पाक दी जदों नजर पई ना नबी पाक अली सलाम दी जदों नजर रहमत पै गई यार ओ ता ओ नजर है ना जेड़ी ना दुनिया में तनहा छड़े ना कबर दे विच छड़े ते ना हजर विच छड़े। नबी पाक दे गुलामो सरकार ने जदों वेख्या ना हुण एक दिन गुजरिया दो दिन गुजरिया तीन दिन गुजरे चार दिन। हजरत अबू किरसाफा बकरियां लैके जांदे ने तवज्जो मेरे वल्ले बकरियां लैके जांदे ने ओनू चरण वास्ते छड़ देंदे ने ते आके मस्जिद नबवी दे बूहे के खड़ो जांदे ने। तुहानू भी जाना नसीब करे रब। हजरत अबू किरसाफा आई करके पूरा दिन नबी पाक दा वद्दू आ चेहरा तक दे रहे ने। रात दा टाइम हुंदा है बकरियां लेंदे ने ते घर सवेरे फिर यो कम हर रोज नबी पाक। एक महीना गुजरिया ना हजरत अबू किरसाफा दी जिहड़ी खाला सी उहदे कोल रहिंदे सन ते उहनू किसे शिकायत लाई भी जिहड़ा तेरा पांजा ना इह तां रोज बकरियां चरान तवज्जो ही कोई नहीं इहदियां बकरियां कमजोर हो गईआं ना चरदियां। इह जाके मस्जिद नबवी दे बूहे अगे खड़े हो के नबी पाक दा चेहरा तकदा है। हजरत अबू किरसाफा ने जदों पुछिया ना अबू किरसाफा नूं खाला कहण लगी उरावे ना अबू किरसाफा। हजरत अबू किरसाफा ने कहा दसो खाला जान की गल है। उन्हें आख्या भी दसे ना झूठ ना बोली भी दस पूरा दिन नबी पाक दा चेहरा तकदा रहना है। हजरत अबू किरसाफा ने आख्या कसम है उस खुदा दी कसम है उस महबूब दे चेहरे दी जिस दिन दा मैं पहली वारी वेख्या ना मैं दिल दे विच इरादा कीता सी कि अज तो बाद झूठ नहीं बोलना हाँ मैं चेहरा तकना नबी पाक दा। यार तू नबी पाक दे नारे भी मारे गलियां बाजारां दे अंदर झूठ ना छड़े ते फिर मोहब्बत दा जेड़ा दावा है झूठा है कूड़ा है आवदे जुमले दे अंदर। नबी पाक दे गुलामो नबी पाक दे नाल प्यार करन वाला उही होई जेड़ा दुनिया दे विच सच बोले। नबी पाक अली सलाम दा चेहरा वेखना हजरत अबू किरसाफा ने कहा जिस दिन पहले दिन नबी पाक दा चेहरा मैं तकिया सी ना मैं पूरा इरादा कीता सी कि अज तो बाद झूठ नहीं बोलना। हजरत अबू किरसाफा नु खाला कहन लगी अच्छा आज तो बाद खबरदार तू जावे नबी पाक दा चेहरा नहीं तकना। हजरत अबू किरसाफा रदी अल्लाह तआला नु एक दिन गुजरिया रो रो के रात गुजार दिन रो रो के दिन गुजार दिन। हजरत अबू किरसाफा रदी अल्लाह तआला नु जदों पंज दिन गुजरे ना फिर यार मुहिब दा की हाल होएगा जिन्हें यार नाल प्यार कीता होवे ते सच्चा प्यार कीता होवे। हजरत अबू किरसाफा जदों पंज दिन गुजरे ना आखन लगे खाला मैं हर गल तेरी मनसा जिवें आखेगी मैं मनदा जांगा लेकिन खाला जान मेहरबानी करो मेरी भी एक गल मनो फिर जिवें आखोगे मनदा जांगा। खाला ने कहा पुत्र दस की गल है। हजरत अबू किरसाफा ने कहा जिस महबूब का चेहरा मैं तकिया ना मेरा दिल चाहता एक बारी तुसी भी तक के वेखो जिदा चेहरा मैं तकिया मेरा इरादा तुसी भी तको। हजरत अबू किरसाफा रदी अल्लाह तआला नो आप दी खाला उन्हें कहा चलो ठीक है फिर उस तो बाद हर गल मनेगा। हजरत अबू किरसाफा ने आख्या हाँ बिल्कुल मनांगा। हजरत अबू किरसाफा भी चले खाला भी चली वालदा भी चली नबी पाक दी बारगाह च बैठे बैठे जनाब नबी पाक दा चेहरा वद्दू हा वेख्या वेखने तो बाद जदों वापस मुड़े ना टाइम थोड़ा जा गुजार के जदों वापस मुड़े हजरत अबू किरसाफा रदी अल्लाह तआला नूं चुप ने कि पता नहीं अज पक्की पक्की पाबंदी लगदी है कि अज नबी पाक दे चेहरे दे इह वी असीर हो गया। नबी पाक अली सलाम दे गुलामो चलदे ने पै परेशान हो के बड़े बड़े बोझल कदम ने। हजरत अबू किरसाफा दी खाला बोली आखन लगी आसन वजहन मिसला हाजर रजुल ऐ अबू किरसाफा जिदे कोल लै के आया से अज जिंदा चेहरा वखान ले आया से जिदा दीदार करवान वास्ते लैके आया से अबू किरसाफा बड़े बड़े सोने वेखे लेकिन इयो जा वेख्या कोई नहीं।
حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خالہ نے اگوا کیا ابو قرصافہ احسن وجہ مثل حاضر رجل کائنات دے اندر بڑے بڑے سونے ویکھے نے لیکن ایڈا سونا کائنات دے اندر نہیں ویکھیا جتے بارے آزم چشتی عبد اللفظ دے اندر ترجمانی کر دے آزم چشتی بولے انہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں دیتھا اور جن ویکھ کے چند شرما آوے اور جیو کھولے اور والے ظلفان دے اترا ہی راپ لے جاوے اکل خدا دے او یعنی بیتی علم ویچنا آوے علم خدا دے او یعنی بیتا اکل ویچنا آوے سونا ماہی سنو کدرے نظر نا آوے حضرت ابو قرصافہ فرما دینے میری خالہ بولیے احسن وجہن مثل حاضر رجل ابو قرصافہ کائنات دے اندر بڑے بڑے سونے ویکھے نے لیکن کائنات وچ ایڈا سونا نہیں ویکھیا ابو قرصافہ حضرت ابو قرصافہ خاموش ہوئے نے اوتھر والدہ بولی آنکھ لگی والا انکا شوبن کائنات دے اندر بڑے بڑے چوڑے لوگ پا کے بیٹھے نے بڑے بڑے کوٹ بڑیاں بڑیاں ویسکوٹا پا کے بڑے بڑے سونے بن کے بیٹھے نے لیکن جے جا سونا اے مصطفیٰ آئے کائنات وچ اے جا تکیا ہی کوئی نہیں یہ جا اے مصطفیٰ کائنات وچ دگیا ہی کوئی نہیں حضرت ابو قرصافہ فرمان دینے میری خالہ بولی آکھن لگی والا القا کلامن کائنات دے اندر لوگ بڑے بڑے سونے کلام کر دینے بڑے بڑے سونے کلام کر دینے لیکن جدو محبوب بول جا سی یہ دے منہ وچوں پھل گر دے سنے ایتے مو وچو پھول کر دے سڑ ایتے مو اے ہو مو اے جس مو دے وچو رب کلام کر دے رب کائنات نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا کائنات آلو سن لو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی زبانے جس زبان دے وچھو رب کلام آدھا ہے رب تعالیٰ دی ذات جس مو دے وچھو کلام فرما دیئے انہیں کہا کائنات وچھ لوگ بڑا بڑا سونا بول دینے لیکن جدو محبوب بول دا سی کمال کر دا سی پاک دے غلام جو اے او ہستی ہے جنہوں رب نے کائنات وچھو ساڑھا نلو سونا بڑھایا نبی پاک دے غلام ہو اگر دنیا کائنات دے اندر محبت تاں کرنا ہے کہ اوکھے ویلے کم آئے گا پھر رب نے فرمایا مصطفیٰ دے بوے آجا جیڑا نہ دنیا ویچ کلیا چھڑے یا اللہ جیڑا بولے قبر و حشر دے ویچ نبی پاک دا سہارا ملے نبی پاک دے غلامو پھر اس محبوب دے نال محبت کر رب نے فرمایا مصطفیٰ دی دہلیز تے آجا کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ محبت تے پیار رکھن والے تے بڑے بڑے کم آنا لے حسن لیکن مصطفیٰ ورگا کائنات وچ ایسا ہے ہی کوئی نہیں کہ جیڑا کم آوے یار ساڑھے نال ایڈی محبت مدینے دے تاجدار نال فرمائی میں تے اکثر جملہ کہینا ساڑھے ماں باپ بھی ساڑھے نالو پیار نہیں کر سکتے جیڑا پیار نبی پاک دی ذات نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جیڑی محبت فرمائی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سرکار دے نال محبت کرو جیڑی ذات ہر جگہ تے کم ماندی رب تعالیٰ دی ذات نے قرآن مجید نے اندر ارشاد فرمایا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونے ہاں تو اڈے کول ہندے ہاں کدی عذاب نہ دے سا یار پہلی امتان دے وچ کسے گناہ کیتا شکلہ چینج ہو گئی ہاں آج چیرے نہیں بدل دے
आज चेहरे नहीं बदलते की वजह है नबी पाक दे गुलामो तेरा नहीं तेरे साईं दा मुंह मारदा है रब फरमाया तेरा नहीं तेरे साईं दा मुंह मारदा है रब तआला दी जात ने फरमाया सोने जो तुसी कोल हो सो ना अजाब ना दे सा नबी पाक ने रब दी बारगाह च दुआ की अल्लाह पक्की गल रब ने फरमाया सोने वमनस्तकु मिनल्लाहि कीला कायनात विच किसे दा फरमान है ही नहीं जेड़ा मेरे तो सच्चा होवे कायनात दे विच किसे दा फरमान है ही नहीं जेड़ा मेरे तो सच्चा होवे नबी पाक अली सलाम ने रब की बारगाह च अर्ज की अल्लाह जे ये गल ना मेरे कोल खड़ोत्या अजाब नहीं देना हुण मैं वेखांगा केड़ा बोलदा है ते केड़ा चुप है ते जेड़ा चुप है उन्हों दुगना सलाम हो सी नबी पाक दे गुलामो तवज्जो करया जे नबी पाक दा जिक्र होवे ते नबी दा गुलाम चुप नहीं रह सकदा नबी पाक अली सलाम ने रब की बारगाह च दुआ की अल्लाह जे ये गल ना मेरे कोल खड़ोत्या अजाब नहीं देना ते मालका सुन लै मुड़ मैं इन्हां नूं कल्लियां छड़ना ही कोई नहीं सवेरे आख्या जे या मैदाने माशर से आख्या जे जिथे मकाम मिले नबी पाक ने रब की बारगाह च दुआ की अल्लाह जे ये गल है ना मालका मुड़ मैं इन्हों कल्या छड़ना ही कोई नहीं नबी पाक अली सलाम नू रब ने फरमाया सोने किवें या अल्लाह जे दुनिया दे विच रहनगे ना अन नबीयू औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम मालका मैं अवदे गुलामा दियां जाना तो भी ज्यादा करीब होवांगा नारे तकबीर नारे रिसालत नाराए तहकी नाराए हैदरी नाराए गौसिया नबी पाक अली सलाम ने फरमाया या अल्लाह जे रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी मालका जे दुनिया विच रहनगे ना अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम मालका मैं इन्हां दीआं जानां तों वी ज्यादा करीब होवांगा जो कबर दे विच चले जाणगे ना जो भैणा भाई रिश्तेदार अजीज अकरबा ताल्लुकदार और डाढे सज्जन है हर कोई जो छड़ के आ जाएगा मालका मैं कबर दे विच अपड़ चलांगा जदों हर कोई बंदे नूं छड़ के आ जाए हर कोई मिट्टी दे बुक पा के आखे जो करदा रहा पा इत्थे करके सादा जिहा शायर बोलिया सी उहने आख्या असा सुनिया ए पिया ते देस अंदर ओखे पैंडे ते मंजला पारिया अने एक कोठड़ी मिलनी ए रैन खातर ना कोई बूहे ते ना कोई बारिया ने ते जंज हंडुआ दी वेड़े आन भुकी हुन परदेस नूं होण तैयारियां जेड़े कहिंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उहनां वी बाजियां हारियां ने जेड़े तरसदे सन दीद तेरी नूं दिने राती अज उहनां वी बारियां मारियां जदों बाग विच खिलाने वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ओ कमली वाले दिया सजिया यारिया ने हर कोई छड़ के आ जाए हर कोई छड़ के आ जाए कबर दे विच आंदा है मदीने दा ताजदार जिन्हां नूं दुनिया ते मान होवे ओह क्या सी ना किसे शायर ने शीन शहरे खमोशा नूं वेख आ के जिहड़े वस दे घरां विच वसदे सन आप सौंदे सन तकिया लगा के ते खिदमतगार बैठे तलियां जसदे सन तरह तरह दी ऐशो इशरत ते धूम धाम जहान नूं दसदे सन अज खाक दे संग हो गए खाक जोहर जिहड़े खाक तो कल दसदे सन जदों नबी पाक अली सलातो व सलाम दे गुलामो जाना कबर दे अंदर फिर नबी पाक अली सलाम दी मोहब्बत दिलां दे अंदर पैदा करो जिहड़ी कबर दे अंदर भी कम आएगी हशर दे अंदर भी कम आएगी नबी पाक दे गुलामो
सरकार ने रब की बारगाह च अर्ज की, या अल्लाह जी ये गल है ना, मालका जे दुनिया में रहेंगे तो भी नाल, जे कबर दे विच होणगे तो भी अपड़ चलांगा, जे हशर दे विच होणगे अगर मेरा गुलाम पुल सिरात ते होएगा तो मैं पुल सिरात ते खड़ोता होवांगा, अगर मेरा गुलाम हौज़े कौसर ते होएगा नबी पाक ने फरमाया मैं हौज़े कौसर ते खड़ोता होवांगा, अगर मेरे गुलाम के मैदान से अमल तुलदे हो सन ना तो मालका मैं मैदाने अमल से खड़ोता होवांगा। नबी पाक अली सलाम के गुलाम उस महबूब के नाल वफा करो। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब मेराज शरीफ का महीना भी एंड होने वाला, तवज्जो करो, नबी पाक अली सलाम ने इस महीने के अंदर मेराज हुई, नबी पाक अली सलाम की जाते पाक दाता साहब फरमाते हैं जो हजूर गए ना मेराज की राती, नबी पाक मेराज की राती गए रब की बारगाह के अंदर, दाता साहब फरमाते हैं अगर रब दे महबूब अली सलातो वसलाम की जात को गुनागार उम्मत का मसला ना ना होंदा, हजूर अली सलाम की नज़र दे विच गुनागार उम्मत जड़ी जचती है पई, हजूर तशरीफ लैके आन ते तां दुआ करन, दुनिया में होण ते तां दुआ करन, दुनिया तो पर्दा फरमा जान ते तां दुआवां करन, मैदाने माशर होवे ते तां दुआवां करन। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अगर गुनागार उम्मत का ख्याल ना होंदा, मेराज दी राती जिथे नबी पाक पहुंच चुके सन ना, अगर गुनागार उम्मत का ख्याल ना होंदा ते हजूर कदी वापस तशरीफ लैके ना आंदे। एक गुनागार उम्मत ते हजूर ने इन्ना करम किया, यार असी भी आपके गिरेबाना के अंदर झांकीए ना, असी की पै करने हैं, सरकार ने साडे नाल एडी मुहब्बत फरमाई, सरकार ने एडी वफा की, एडा करम फरमाया, एडी शफकत फरमाई, अज असी भी वेखीए असी नबी पाक नाल क्या प्यार करने, असी तो मसीते ही नहीं जाते, असी पांच वेले मस्जिद दे विच जाना सानू बहुत ज्यादा भारी है। नबी पाक अली सलाम दे गुलामो, नबी पाक अली सलाम ने फरमाया नमाज मेरी अखा की ठंडक है, सरकार ने फरमाया नमाज मेरी अखा की ठंडक है, नबी पाक अली सलाम दे गुलामो सरकार की बारगाह के अंदर असी ये अर्ज करने सोने इना करम फरमाया मदीने दिया ताजदारा बत्तू आदे मुखड़े वालिया बल्ले दिया जुल्फा वालिया मां दाग दे काजल वालिया सोने दुनिया के अंदर कामयाबी किस दे अंदर है, हजूर ने फरमाया कायनात के अंदर कामयाबी इसे मरहले के अंदर है, मेरे नाल प्यार कर दे जाओ, मेरे नाल मोहब्बत कर दे जाओ, मेरे नाल इश्क कर दे जाओ, फरमाया जदों दुनिया विच रहोगे तां भी कामयाबी मिलेगी, जदों कबर दे विच जाओगे तां भी कामयाबी मिलेगी, हशर दे अंदर जाओगे तां भी कामयाबी मिलेगी। असी ते हर जगह ते पुकार के इयो ही नबी पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज करना चाहने आ, सोने मदीने दे ताजदारा वद्दू हा दे मुखड़े वाले आ वल्ले दियां जुल्फां वाले आ मां दाग दे काजल वाले आ अलम राजे सीने वाले आ सोने सी पुकार के इयो ही कायनात दे अंदर आने आ सदा वासे रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वासदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। मिलके मोहब्बत नाल पुकार के तुसी भी नबी पाक दा नामे नामी इसमे ग्रामी अपनी जुबान दे विचो कढ़ो। मैं दुआ करना वा या अल्लाह जेड़ा बंदा मोहब्बत नाल पुकार के मेरे नाल रल पड़े ऐसे साल नबी पाक दे रोजे ते जावे नबी पाक दियां जालियां दे सामने खड़ो के हाथ जोड़ के यही पुकार के आके सोनिया सदा वासदा रवे तेरा दवारा या। नबी पाक अलैहि सलाम दा जिक्र मोहब्बत दी निगाह नाल करो, प्यार दे नाल करो, हत्थां नूं बुलंद जिन्हां जिन्हां दे हाथ सलामत ने मैनूं भी पता चले हत्थां नूं बुलंद करके पढ़दे ने। नबी पाक दी बारगाह दे अंदर गुलहाए अकीदत पेश करो मोहब्बत नाल पुकार के आखो सदा वासदा रवे तेरा दवारा या। अल्लाह जेड़ा बंदा हत्थां नूं बुलंद करके पढ़े कभी हत्थां दे विच बीमारी ना पवे, जेड़ा हत्थां नूं बुलंद करके पढ़े कभी किसे कमीने दा मोहताज ना होवे, मोहब्बत नाल पुकार के आखो सदा वासदा रवे तेरा दवारा या। सदा वासदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वासदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह।
सदा वसदा 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 सदा वसदा रवे तेरा दवारा यार रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा यार रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा यार रसूल प्यार करो अगर दुनिया के रब तल दी जात दा फरमान है ना रब तल दी जात दा फरमान है ओ यू हू हैव बिलीव्ड फिर अल्लाह एंड बी विद दोज़ हू आर ट्रू फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया में कामयाबी चाहता हो जेड़ा दुनिया के अंदर वकार चाहता होवे शानो शौकत चाहता होवे नबी पाक दे कदमा दे नाल वबस्ता हो जाए नबी पाक दे दामाने करम दे नाल वबस्ता हो जाए फरमाया एंड वी सेंट यू नॉट बट एम मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड फरमाया कायनात विच ऐसा है ही कोई नहीं जिन्हों मुस्तफा तो वध के मैं मकाम अता कीता होवे जिन्हों कायनात दे अंदर यार नबी पाक अली सलाम दी शान तवराउल वरा ना नबी पाक अली सलाम दे गुलामो हुजूर जदों तशरीफ लैके गया मेराज दे ते हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला ले शरा अकायदे नसविया किताब का ना है उस दे अंदर आप इरशाद फरमांदे ने कि एक रात ना मेरी रूह ने परवाज करना शुरू की थी हजरत अबुल हसन रिफाई बड़े बुजुर्ग होए ने बड़े वड्डे मुहद्दस ने फरमांदे ने कि एक रात ना तवज्जो है जरा जिन्हां दी तवज्जो कोई नहीं मुहब्बत ना सुभान अल्लाह माशाल्लाह बैठे ने अजे अल्लाह तुहानू बरकतां देवे रब ताला दी जात सलामत रखे ते जिन्हां दी हुण तवज्जो है गल तवज्जो वाली जरा मैं खुश तबी वास्ते जिक्र पिया करना ते जिन्हां दी हुण तवज्जो है एक बारी मुहब्बत नाल हाथां नूं बुलंद करके आखो जरा सुभान अल्लाह अबुल हसन रिफाई फरमांदे रहे एक रात मेरी रूह ने परवाज करना शुरू की थी मेरी रूह ने और हर मकात पाई फिक्र इस गल नूं मनदा है कि रूह बंदे दी परवाज कर सकदी सोवे बंदा उकाड़े ते पहुंचिया लाहौर हुंदा है सोवे बंदा उकाड़े ते पहुंचा मदीने हुंदा है इना मतलब बंदे दी रूह परवाज कर सकती है नबी पाक दे गुलामो हजरत अबू हसन रिफाई फरमांदे ने मेरी रूह ने परवाज करना शुरू की थी उड़ना शुरू किया फरमांदे ने एक अरश उबूर किया दो अरश उबूर किते तीन अरश उबूर किते चार अरश उबूर किते हत्ता के तवज्जो हत्ता के मेरी रूह ने सत लख अरश उबूर किया किन्ना सात लाख अरश उबूर किया हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जो सात लाख अरश उबूर मेरी रूह ने कर लिया ना तो रब ताला दी जात ने फरमाया अबुल हसन रिफाई इन्ना उड़ के जाना किधर ही मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह यार अब हजरत अबुल हसन रिफाई फरमांदे ने मैनू जवाब आया रब ताला दी जात ने फरमाया अबुल हसन रिफाई जाना किधर ही हजरत अबुल हसन रिफाई फरमांदे ने कि मैं रब दी बारगाह दे अंदर जवाब अर्ज की या अल्लाह मैं ओ जा वेखना चाहना जिथे मिराज दी राती नबियां दे इमाम ने अपने कदम लाए ने मिराज दी राती जिथे मदीने दे ताजदार ने अपने कदम लाए ने हजरत अबुल हसन रिफाई फरमांदे ने कि रब ताला दी जात ने जवाब इरशाद फरमाया अबुल हसन रिफाई ए ता एक रात विच परवाज कीती तवज्जो एक रात के अंदर परवाज कीती सत लख अरश उबूर कर लई अबुल हसन रिफाई एक रात दा आलम है तेनू करोड़ा साल जिंदगी दी जाए तेनू अरबा साल परवाज का हुक्म दिता जाए अबुल हसन रिफाई तेरी रूह परवाज कर दी जाए कर दी जाए कर दी जाए अबुल हसन रिफाई करोड़ा साल की जिंदगी अरबा साल का जनाब मुसाफत
उबूर करता जावे लखा अरश उबूर करे करोड़ा अरश उबूर करे हुण मैं वेखांगा केड़ा बंदा चुप है नबी पाक की अजमत सुन के ते जेड़ा नबी पाक का मोहब्बत रखने वाला है जरूर बोलेगा। हजरत अबुल हसन निफाई फरमांदे ने मेरे रब ने फरमाया अबुल हसन निफाई एक नहीं दो नहीं करोड़ा अरश उबूर कर लगदा जा चलदा जा सफर तय करदा जा। अबुल हसन निफाई एक गल याद रखी तेरा पहुंचना ते बड़ी दूर की गल है अबुल हसन निभाई तेरी जेन ते तेरी फिकर ते तेरा तसव्वुर उत्थे नहीं जा सकता जिथे मेराज दी राती नबी ने अपने कदम ला छड़े ने। ऐ अबुल हसन निभाई तेरा पहुंचना ते बड़ी दूर की गल है तेरा पहुंचना ते बड़ी दूर की गल है तेरा तसव्वुर भी उत्थे नहीं जा सकता जिथे मेराज दी राती आमिना दे लाल ने अपने कदम ला छड़े ने। नबी पाक दे गुलामो जे शान नबी पाक दी जात दा मकाम बुलंदो वाला सुल्तान लारे भी ने अपने लफ्ज़ां दे अंदर तर्जमानी फरमाई आपने फरमाया बे बिस्मिल्लाह नाम अल्लाह दा ऐ मकामे मेरे नबी दा बे बिस्मिल्लाह नाम अल्लाह दा इस दा कहना बारा हो नाल शफाअत ओ सरे बरे आलम इच्छुत सी आलम सारा हो अदो बेगाद ओ दुरूद नबी ते किस दा एड पसारा हो मैं गुरबान ओ नाथी बाह मैं गुरबान ओ नाथी बाह जिना मिलिया नबी सहारा हो नबी पाक दे दमा ने करम दे नाल बंदा वाबस्ता हो जाए सरकार दी मोहब्बत दे विच वक्त गुजार छड़े नबी पाक दे प्यार दे विच वक्त गुजार छड़े बेलियो जेड़ा बंदा नबी पाक दी मोहब्बत दे विच आखरी गल पे करना नबी पाक दे गुलामो जिहड़ा बंदा सरकार दी मोहब्बत दे विच वक्त गुजारे साईं कदी भी कंड नहीं लगन देंदे साईं डाढे होण ते कंड नहीं लगन देंदे साईं डाढे होण ते कंड नहीं लगन देंदे ते जिहड़ी शख्सियत नूं रब ने यह मकाम अता कीता होवे सारे नबियां दी इमामत अता फरमाई होवे जिस नबी नूं रब ताला दी जात ने सारे खजाने दीआं कुंजियां जिस महबूब दे हवाले कीते होण ते फिर उहदी कंड किवें लग सकदी। नबी पाक अली सलाम दे गुलामो सरकार दी जात दे नाल दिलों प्यार करो सरकार दे नाल मुहब्बत करो नबी पाक अली सलाम नाल ओ प्यार करो कि जिवें मुहब्बत करन दा तरीका है मुहब्बत करन दा सलीका है नबी पाक दी जात भी साढ़े ते राजी हो जाए रब जुल जलाल दी जात साढ़े ते राजी हो जाए क्या वह बंदा जिहड़ा रब ते रब दे रसूल दी ताबेदारी दे अंदर वक्त गुजार के आया। नबी पाक दे गुलामो अज तो बाद एक आपके दिलों के अंदर गल बिठाओ कि सोहणिया मदीने दे ताजदारा असीं तेरे नाल मुहब्बत दा दावा भी करने आ ते आज तो बाद पांच वेले मस्जिद दे विच जाके रब दी बारगाह च सर भी झुकावांगे। नबी पाक दे गुलामो इस बड़ी काबले गौर बात है जिहड़ा बंदा गली बाजार दे अंदर तो नारे मारे लेकिन रब दे घर दे अंदर सर ना झुकावे। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है नमाज मेरिया अखां दी ठंडक है। यार ये अकीदा रख के ये जज्बा ते मुहब्बत लैके मस्जिद के अंदर जाया करो कि यार सारे काम रोके या क्या भी खड़ो यार किसे सौदा लेना मामलात ने सारिया चीजा आपकी जाते यार हर बंदा इस दौर के अंदर वेख लो परेशान है हर बंदा परेशान है जिस बंदे नूं तको। मैं खुशतबी वास्ते एक गल करना चाहना कि वह मैं कल एक जगह पर देखता सा पिया हर चीज़ की मांग ही हो गई हुक्मराना तो हथों असी परेशान हाँ
फिर यार क्यों ना हो उस रब की तरफ रुजू करिए, रब की तरफ रुजू करिए जिथे पेट्रोल तो असी परेशान हाँ, डीजल तो असी परेशान हाँ, सारे मामलात तो असी परेशान हाँ। वो एक कल असी बयान करन पे जांदे सां ते एक खड़ोता बेली सिगटां वाला ते ऐं करके ना दुआ मंगी जावे, मैं क्या वाह मालिक, मैं क्या हुण तिकर तो मामला चलता रहा ठीक है, हुण शहबाज शरीफ की खैर कोई नहीं, हुण खैर आकर मैं क्या की होया बई दुआ पे मंगना है बड़ी तवज्जो दे नाल, आंदा शाह जी की दसा जनाब सिगरट का रेट डबल हो गया है, मैं क्या भी हुण तिकर तो मामला बचा आ, हुण हत्थ आ गया नशियां दे ते हुण मामला खराब हो जाना है। ते बेलियो असी जिस दौर दे विच वक्त पे गुजारने आ बड़ा परेशान कौन है, वजह यह कि असी रब नूं बुला दिता। नबी पाक अली इस्लाम दे गुलामो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर नूं नबी पाक ने फरमाया सी, अब्दुल्ला दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी होवे ना आपकी जिंदगी के अंदर खुशी के वेले आपके रब नूं याद रखी, सौखे वेले आपके रब नूं याद रखी। सरकार ने फरमाया जे सौखे वेले रब नूं याद रखेगा ना तो कदी औखा तेरी जिंदगी के अंदर मौका बनया तो फिर वेखेगा कि रब की मदद तेरे सामने खड़ोती होगी। सरकार ने फरमाया कि अगर सौखे वेले रब नूं याद करेगा तो औखा वेला कदी पै भी गया ना तो रब की मदद तू वेखेगा, जे सौखे वेले दुनिया में याद ना किया फिर औखे वेले रब की बारगाह के अंदर पुकार पुकार के भी रह जाएगा और रब यार तेरी किवें सुनेगा। दुनिया के अंदर मामलात जितने भी गुजारो रब की रजा के वास्ते गुजारो, रब की जात के नाल मुहब्बत करो, रब के महबूब नाल प्यार करो। दुनिया के विच एक बारी नजारा देखो तो सही ना, रब की बारगाह च सर झुका के एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। दुनिया के अंदर अगर नजात पानी हो कामयाबी पानी रब की बारगाह के अंदर सर झुका, वेखी रब किवें कायनात के अंदर तेनों बुलंदो बाला फरमांदा। नबी पाक अली सलाम दे गुलामो नबी पाक की अखां दी ठंडक समझ के दुनिया दे विच निमाज पढ़ो, रब दी बारगाह च सर झुकाओ। दुनिया दे विचों चले भी गए ना फरिश्ते जो पुछन ना मा कुंता तकूल फी हक हाजर रजुल, दस नबी पाक दे बारे च की आंदा रहे, फरिश्ते पुछणगे ते नबी पाक मेरा अकीदा ते विजदान है जिहड़ा पंज वेले नबी पाक दीआं अखां दी ठंडक समझ के निमाज पढ़े। सरकार फरमान के फरिश्ते चुप करो तुसीं की पुछदे जे मैं दसना इह कौण है, सरकार फरमान के तुसी की पुछदे जे मैं दसना कौन आ ये कौन है। सरकार फरमान के ये तो है जेड़ा पांच वेले मेरिया अखां नूं ठंडक पहुंचांदा रहे। आओ मुसलमान भाई आखर दे अंदर पुकार के सरकार दी बारगाह दे अंदर दी अर्ज करने आ, मदीने वालिया वसे रोजा तेरा, मदीने वालिया वसे रोजा तेरा, मदीने वालिया वसे रोजा तेरा। एक बारी मोहब्बत नाल हथां नूं बुलंद करके हथां नूं बुलंद, या अल्लाह ओदा हथ कदी बीमार ना होवे, हथां दे विच कदी बीमारी ना पवे, कदी किसे दा मोहताज ना होवे, हथां नूं बुलंद करके जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत नाल पड़े, मदीने वालिया वसे रोजा तेरा, 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 तेरे जया नहीं गई जहान दे खुदा दे जानिया मोहम्मद मोसफा, खुदा दे जानिया मोहम्मद मोसफा, खुदा दे जानिया मोहम्मद मोसफा। रब फरमावे वाला सौफा यो चीका रब का फतरदा, सोने जिमें तेरी जात रही है उमें अरसा वाला रब रही है, जिन्हों रब फरमाए मोहब्बत नाल तुसी भी पुकार के आखो खुदा दे जानिया मोहम्मद मोसफा, खुदा दे जानिया मोहम्मद मोसफा, खुदा दे जानिया मोहम्मद मोसफा, तेरे दया नहीं कोई जहान पे मदीने वालिया वसे रोजा तेरा, मदीने वालिया वसे रोजा तेरा, तेरे जया नहीं कोई जहान पे।
ذات عمل دی توفیق عطا کرے سرکار دی سچی پکی محبت دی توفیق عطا فرمائے حضور دی محبت دے وچ جین دی توفیق عطا کرے نبی پاک دی غلامی دے وچ موت نصیب فرمائے اللہ پاک دی ذات عمل دی توفیق عطا فرمائے اور محمد اسماعیل جو کہ ساڈے بڑے میرے دادا جی رحمتہ اللہ علیہ دے پیارے مرید ہیں اللہ تعالی دی ذات انہاں نوں غریق رحمت فرمائے انہاں دی قبر تے رب تعالی دی ذات رحمتاں دا نزول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین